मैदानी राज्यों के मुकाबले हिमाचल में मौसम अभी कुछ ठंडा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ ही साथ सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया। साल 2014 और 19 की मोदी लहर में हिमाचल की चारों सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप कर हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। हालांकि ग्राउंड जीरो के हालात थोड़े अलग संकेत दे रहे हैं, जिससे लगता है कि इस बार भगवा पार्टी के लिए मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला। वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूद सांसद अनुराग ठाकुर फिर से चुनावी मैदान में हैं। अनुराग ठाकुर ने नामांकन दाखिल करने से पहले अवा देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ जिला उपायुक्त कार्यालय जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद सहयोग समर्थन दिया है। एक बार फिर यहाँ से मुझे प्रत्याशी उतारा है। चार बार हिमाचल की जनता ने आशीर्वाद दिया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके मेहनत की और हर बार नया कीर्तिमान स्थापित किया। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह का वातावरण इस बार देखा जा रहा है, इस बार फिर हम जीत करेंगे, मोदी जी की झोली में सीट डालेंगे और हिमाचल की चारों सीटें दें। वहीं बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर अब निशाना साधा। कांग्रेस आज 40 एमपीस करने के लिए संघर्ष करती है और भारतीय जनता पार्टी 300 सांसद बनाती है। कांग्रेस की दो राज्यों में सरकार रह जाती है, भाजपा एनडीए की 18 राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के देश में सबसे ज्यादा मेयर हैं, सबसे ज्यादा जिला परिषद हैं, सबसे ज्यादा प्रधान हैं। जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सबसे ज्यादा है, हिस्सेदारी हमारी सबसे ज्यादा है, तो उनको क्या लगता है वर्षों से भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, उसको लोग क्यों लाएंगे? और हम तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर आए थे, पारदर्शिता लेकर आए थे, जिससे पता चला कि किसको कितना मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब 18 राज्यों में सरकार और दिल्ली में 400 सांसद लोकसभा राज्यसभा के मिला के तब इतना पैसा है, तो मेरा सवाल है ममता बनर्जी जी के पास 1560 करोड़ रुपया कहाँ से आया एक राज्य में सरकार के कारण? हमारे पास तो केवल 6500 करोड़ आया, उससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए था। तो मेरा मानना इतना है कि कुछ लोगों के पास न भविष्य के लिए दिखाने के लिए कुछ है, न वर्तमान की कोई उपलब्धि है। बहरहाल हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल में चुनावी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। दोनों के बीच यहां कोई थर्ड प्लेयर नहीं है। कांग्रेस की तैयारियां पिछले दो आम चुनाव के मुकाबले इस बार अच्छी दिखाई दे रही है। इसकी बड़ी वजह है प्रदेश में तकरीबन 1.5 साल से अपनी सरकार का होना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव में कितने टिक पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमीरपुर से सूर्या समाचार के लिए जसबीर कुमार की रिपोर्ट।